सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए 12 वोल्ट बैटरी का ऑटोमेटिक जो है ऑन ऑफ चार्जर लेके आया हूँ। इसे ऑटोमेटिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कट ऑफ ही नहीं करेगा, जैसे नॉर्मल हम चार्जर होते हैं वो जो हमारा वोल्टेज एक सेटिंग कर देते हैं 14.5 पे कट कर जाए या 14 पे कट कर जाए, वो सिर्फ कट करते हैं और काफ़ी लो वोल्टेज आने पे लगभग 10 वोल्ट आने के बाद वो फिर से चार्जिंग जो है शुरू करते हैं जब तक जो बैटरी है बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुकी होती है। लेकिन इस चार्जर की क्या खासियत है इस सर्किट की कि हम जो है चार्जिंग की जो वोल्टेज है कि कब कहाँ से वो चार्जिंग फिर से शुरू कर दे उसको अपनी मर्ज़ी से जो है सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो 13 वोल्ट पर हम सेट कर देते हैं, 14.5 पे हम सेट कर दिया ऑटो कट ऑफ का, 14.5 जैसे ही वोल्टेज होंगे वो कट ऑफ हो जाएगा और हम नीचे करते हैं कि जैसे ही इसमें 13 वोल्ट आए या 13.5 वोल्ट हो फिर वो ऑन हो जाए तो उसकी हम सेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और आसान सर्किट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसका पूरी मैं पीसीबी लेआउट भी आपको दूंगा। सबसे बड़ी इसकी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैंने बनाया है वीरो बोर्ड के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये सारा बनाया, मैं पूरा आपको बताऊँगा। बिल्कुल आप देखने में यही लग रहा हो कि शायद कि पीसीबी मैंने इसके लिए डिज़ाइन करी है, उसके ऊपर मैंने बनाया है, लेकिन ये खुद ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इसको वीरो भी बोर्ड के ऊपर इसको बना सकते हैं। पूरी डिटेल मैं आपको इसकी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक इसका डेमो ले लेते हैं किस तरीके से सर्किट जो है काम करता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी है। जहाँ पर आप कट ऑफ सेट करेंगे वहीं पर ये कट ऑफ होता है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको वेरिएबल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया है, ये वेरिएबल पावर सप्लाई होम मेड है। आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूँगा। तो अभी 12.9 वोल्ट है और रेड एलईडी जो है इंडिकेशन आपको देगा कि बैटरी जो है चार्ज हो रही है। अभी मैंने इसकी कनेक्टिविटी कहाँ करी है, जहाँ हमने बैटरी को लगाना है। तो यहाँ बैटरी से हम कनेक्शन देंगे सर्किट को, तो अभी मैंने वहाँ ही मैंने कनेक्ट किया है। तो एज ए बैटरी हम इसको चेक कर रहे हैं एक बार। तो देखिए जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊँगा, 14.5 के आसपास मैंने पूरा इसका कट ऑफ जो है सेट किया हुआ है। मैं बढ़ाता हूँ वोल्टेज हल्के से, देखिए 14.4 पे कट हो गया और जो ग्रीन एलईडी है इंडिकेशन आपको दे रहा है कि बैटरी जो है चार्जिंग फुल हो चुकी है। अब जैसे जैसे मैं इसको नीचे करूँगा बैटरी वोल्टेज डाउन आएंगे, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज होएगी, 13 वोल्ट पे आके ये फिर से जो है बैटरी जो है ऑन, चार्जर जो है आपका ऑन हो जाएगा और चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए 13.1 पे ये कट कर गया था रेड एलईडी ऑन होते ही इंडिकेशन इसने दे दी। तो फिर से मैं एक बार वोल्टेज बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पूरी एक्यूरेसी यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से ये काम जो है कर रहा है। तो मैं फिर से बढ़ाता हूँ 14.5, फिर से इसको मैं नीचे करता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी हल्के हाथ से मैं इसको कम करने की। ये देखिए पूरे 13 वोल्ट पे आप देख चुके होंगे, पूरे 13 वोल्ट पे इसने जो है चार्जिंग फिर से शुरू करी है। तो अभी मैं ऊपर भी आपको हल्के हाथ से दिखाता हूँ ज़रा, 14.4, फिर से जल्दी हो गया थोड़ा, मैं फिर से बैक जाता हूँ एक बार, तो फिर से ऊपर लेके आता हूँ इसको। फोर्टीन पॉइंट फाइव के आसपास ये कट जो है कर रहा है, चार्जिंग इंडिकेशन ये दे रहा है। तो दोस्तों देख लिया आपने, बहुत बढ़िया तरीके से सर्किट जो है काम कर रहा है। तो अभी चलते हैं पहले मेरी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें मैं पूरा सर्किट डायग्राम आपको समझाता हूँ और बताता हूँ आपको किस तरीके से आपने ये पीसीबी जो है बनानी है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपने इसकी जो है सेटिंग करनी है। तो दोस्तों ये है मेरी वेबसाइट etscircuits.com। आज तक के मेरे सभी वीडियो, उनसे रिलेटेड सर्किट्स, प्रोजेक्ट्स जो भी हैं इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, और उनके सबके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जो रहती है, तो वहाँ पे जाकर जो हैं सभी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। जो बात आपको यूट्यूब वीडियो में कई बार नहीं पता चलती तो वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाती है वेबसाइट पर। तो यहाँ अलग अलग हेडिंग है, उनके अंदर भी आप सर्किट जो है सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इस सर्किट पर जाते हैं हम, ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर सर्किट विद IC555। तो ये वो सर्किट डायग्राम है, पहले इसकी डिटेल है थोड़ी। ये सर्किट डायग्राम है, इसको हम एक अलग टैब में ओपन कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। तो दोस्तों किस तरीके से आपने बैटरी इसके साथ कनेक्ट करनी है, आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं,
कार की बैटरी या कोई इन्वर्टर का बड़ा बैटरा भी अगर आप चाहें तो इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो डायड है इस डायड को आपको चेंज करना पड़ेगा, साथ में इस रिले को आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने 10 एम्पियर का रिले यूज़ किया और 10 एम्पियर का एक डायोड मैंने यूज़ किया है, और इसके बारे में आपको बताता हूँ कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है कि कितना वोल्ट का चार्जर आपको उसके लिए चाहिए। ये आप अगर पढ़ेंगे पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि जितने एम्पियर का आपका बैटरी रहता है उससे 110 जो है उसको चार्जिंग वोल्टेज जो है दिए जाते हैं। मान लीजिए आपका 80 AH का बैटरी है तो 8 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर है या पावर सप्लाई उसके साथ आपको यूज़ करनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग ही जो है आपको जो रिले है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिले लेना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये आपको डायड यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। डायड आप पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर 10 एम्पियर के दो डायड आप पैरेलल में यूज़ करते हैं तो 20 एम्पियर तक वो जो है लोड ले सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पूरी सर्किट की डिटेल यहाँ पर पढ़ लिया करें, क्योंकि बहुत से दोस्त जो है कमेंट में वही बात पूछते हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पूरी जो है एक्सप्लेन की हुई होती है। तो ये पूरा इसका आप देख लें, ये इसका जो है PCB लेआउट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये IC है, जो पूरा PCB लेआउट इसमें डिटेल से दिया हो, कहाँ रिले लगानी है, कहाँ आपने डायल लगाना है, कहाँ रजिस्टर लगानी है, तो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसकी कटिंग करके आपने वीरोवी बोर्ड के ऊपर लगा लेना है। तो मैं अभी जैसे आपको मैंने पहले दिखाया है जो डेमो में, तो उस तरीके से आपने इसके ऊपर चिपकाना है। इसकी पूरी डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आगे जो आने वाली अभी जो वीडियो मैं आगे इसमें बाद में बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। तो यही दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा कि सर्किट जो है 555 IC जो है काम किस तरीके से करता है, यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल है। बस मेन बात जो है कि सर्किट बनने के बाद आपकी कनेक्टिविटी उसकी ऐसे करनी कैसे है, ये आप पूरा ध्यान से एक बार देख लें। ये बैटरी जैसे आपने कनेक्टर के साथ जो है बैटरी आपने डायरेक्ट यूज़ कर लेनी है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जो बैटरी कनेक्टर है, उसके बाद जो इनपुट आपने उसको देनी है 12 वोल्ट की बैटरी को आपने 15 वोल्ट जो है इनपुट सप्लाई देनी है, वो नेगेटिव सप्लाई तो जो डायरेक्ट आपने बैटरी को दे देनी है, बैटरी के टर्मिनल पर डायरेक्ट आपने देनी है, इस कनेक्टर पर नहीं, बैटरी के टर्मिनल पर। और उसके बाद जो पॉजिटिव सप्लाई उस ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाई से आएगी वो आपने देनी है रिले के कॉमन पॉइंट पर, और जो डायड को आपने यूज़ करना है वो करना है बैटरी जो रिले है रिले के NO पॉइंट पे, यानी कि नॉर्मल ओपन पॉइंट पे, और वहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई होकर आएगी वो आपने देनी है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। पर उसके बाद आपको इसको हटाने की हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही बैटरी 14.4 के आसपास जाएगी बैटरी आपकी जो है कट ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही 13 वोल्ट पर आएगी जो कि मैंने सेट किया, आप अपनी मर्जी से 12 वोल्ट 12.5 10 11 जहाँ चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे उस वोल्टेज पर बैटरी आएगी बैटरी आपकी फिर से चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। बस एक बार आपने इस सर्किट को इसमें लगा दिया तो आपको कुछ भी उसके बाद उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से आपने चार्जर ऑन करना है या कब ऑफ करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक जो है होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं कि इसको बनाना आपने कैसे है। तो दोस्तों मैंने प्रिंट आउट ले लिया है, ये ब्लू कलर में है, सिंपल पेपर के ऊपर मैंने प्रिंट लिया है। उसके बाद उसी साइज़ की एक जो वीरोवी बोर्ड है वो मैंने जो है कट कर लिया है इस तरह का बोर्ड, और उसके बाद हमारा क्या काम है, हमें इसके ऊपर इसको चिपका देना है। लेकिन चिपकाने से पहले आप एक खास ख्याल रखें कि ये जो होल हैं, कोई भी दो होल आप इसके ऊपर पूरी सेटिंग कर ले, बाकी होल ऑटोमेटिक जो हैं सभी जो हैं सही जगह पे आ जाएंगे। थोड़ा आगे पीछे करके इसके एडजस्टमेंट आप कर लें, क्योंकि होल बिल्कुल सही एक्यूरेट जगह आने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो आपको मुश्किल आएगी बाद में कनेक्टिविटी करने में। तो इस लाइन में हम इसको डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी एक होल यहाँ पर जो है सही आ गया है, तो बाकी होल जो हैं ऑटोमेटिक झारे जो हैं सही हो जाएंगे। तो मैं इसको पूरा पहले चिपका लेता हूँ, इसको चिपकाने के बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो दोस्तों सारे होल मैंने कर लिए हैं, कुछ होल थोड़ा आगे पीछे भी हैं लेकिन दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी करते टाइम जो है हम उनका ख्याल रखेंगे। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर शो हैं उसी तरीके से आपने इसको डाल देना है। ये नेगेटिव साइड है, कैपेसिटर है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो है ध्यान रखते हुए डाल लेंगे। इस तरह से ये रिले है तो रिले को हम लगा लेंगे,
जो जो कंपोनेंट्स हैं पहले हम वो सारे कंपोनेंट जो हैं डाल सकते हैं, या वन बाय वन जो है कंपोनेंट्स अभी डालकर उसकी कनेक्टिविटी साथ साथ हम कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा कि साथ साथ हम कनेक्टिविटी कर लें। और आईसी की जो है पिन आउट का भी आप ख्याल रखें, आईसी लगाते टाइम जो है, तो मैं ये कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ कि आईसी कभी भी ख़राब हो तो हम उसमें आसानी से उसको चेंज कर सकें। तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स जहाँ पर जो जो हैं डालकर आप उनकी जो है कनेक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूरी कनेक्टिविटी पहले इसकी कर लेता हूँ, फिर आपको ये दिखाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि कनेक्टिविटी आपने किस तरीके से इसकी करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप कमेंट में मुझे बोलेंगे कि इसकी पूरी जो है कनेक्टिविटी का बैक साइड से किस तरीके से आप कनेक्टिविटी करते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि किस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी आपने करनी है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी मैंने कर ली है पूरी, पूरा लाइन टू लाइन मैंने मिला दिया, जहाँ पर भी लाइन जा रही थी उसी तरीके से मैंने जो है शोल्डर और वायर लगाकर कनेक्टिविटी जो है कर दी है। तो बहुत ही ईजी है, थोड़े टाइम में भी आप ये पूरे कनेक्टिविटी जो है कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जो हमारी मेन बैटरी को चार्जिंग वोल्टेज जो जानी है वो ये वाली लाइन है। एक तो ये कॉमन लाइन जो है, इसको जितना आप हैवी वायर लगा के और अच्छी तरह से शोल्डर लगा के करें कि कोई भी लोड जो है ये वायर जो है ले सके। और दूसरा ये वाली जो है जो एनो पॉइंट से डायोड के साथ में आई है, वो वाले कनेक्शन जो है आपने मजबूत करने हैं थोड़े। तो डायोड वगैरह आपने अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग जो है लेना है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है। मैंने सिर्फ 5408 यूज़ किया है, 3 एम्पियर तक का लोड ये ले सकता है और 10 एम्पियर की मैंने ये रिले यूज़ करी है। तो डायड और रिले और ट्रांसफार्मर जो है, सभी चीज़ जो अपने बैटरी के अनुसार ही आपने लेनी है। पूरी डिटेल मेरी वेबसाइट पे है, तो वहाँ पे आप देख लेंगे कितने एम्पियर आपने क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो है पूरी जो है ये प्लेट जो है डिज़ाइन कर लेनी है वीरूबी बोर्ड के ऊपर, और ये लुक वाइज भी अच्छी लगेगी और आपके लिए जो कनेक्शन करना, जो कनेक्टिविटी करनी, वो बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसकी जो है सेटिंग आपने किस तरह से करनी है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे आपने इसको सेटअप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो दोनों पॉइंट आई, वैसे यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट करनी है अपनी, और कोई भी जो पतली वायर लगा के आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट मेन है ये पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पर हमने इनपुट देनी है पॉजिटिव की, और इस यहाँ से हमने एज ए आउटपुट उसको लेना है बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के लिए। तो मैं पूरा जो है एक डायग्राम इसका और डाल दूंगा अपनी वेबसाइट पे, कि इस प्लेट को जो है इमेज डाल दूंगा कि किस तरीके से आपने उसको कनेक्ट करना, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पर बैटरी की जगह पे हम जो है वेरिएबल पावर सप्लाई लगा लेते हैं और इसकी पूरी जो है सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें वेरिएबल सप्लाई कनेक्ट करने के लिए जहाँ हम बैटरी यूज़ करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई। वेबसाइट पर आपने ऑलरेडी देख लिया कि मैंने जो सर्किट आपको दिया है, ये सर्किट मैंने पहले बना लिया था। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर जो है नहीं लगाने हैं आपने, जो वहाँ पे मैंने आपको लेआउट और सर्किट दिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपने वही बनाना है। और नेगेटिव सप्लाई हमने यहाँ पर दी है, और यहाँ से एक हमने कनेक्टिविटी करी है पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टर के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो है एलईडी को सप्लाई मिलेगी। इस जगह पर हमने जो है जो चार्जिंग, जिसके थ्रू चार्जिंग होगी, वो ट्रांसफार्मर या सप्लाई यहाँ पर हमने देनी है, वो पूरा सर्किट में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि अभी ये चार्जिंग क्या दिखा रहा है, कि कट ऑफ है, चार्जिंग फुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 13 वोल्ट के ऊपर हमें इसको ऑन करना है, चार्जिंग शुरू हो जाए रेड एलईडी। तो जो दो नंबर के साथ वेरिएबल लगा हो उसको हम तब तक घुमाएंगे जब तक रेड एलईडी जो है ऑन ना हो जाएगी। तो किसी भी तरीके पहले कट ऑफ को भी सेट कर सकते हो, या पहले दोबारा चलाने को भी सेट कर सकते हो। तो 13 वोल्ट है, इसको मैं तब तक घुमाऊँगा जब तक जो है रेड एलईडी जो है ऑन ना हो जाए। तो रेड एलईडी ऑन हो गया है, एक दो बारी में सेटिंग इसकी करनी पड़ेगी। अब मैं जाता हूँ ऊपर, वोल्टेज बढ़ाता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ। कट ऑफ कहाँ करना है हमने, अभी देखिए 15 तक अगर जा रहा है तो भी कट ऑफ जो है नहीं कर रहा, लेकिन हमें 14.5 के आसपास कट ऑफ कराना है। तो 14.7 मैंने किया है, तो यहाँ मैं आपको कट ऑफ करवा के दिखाता हूँ। तो फिर आपने जो 6 नंबर के साथ वेरिएबल लगा है उसको घुमाना है, और तब तक घुमाना है जब तक ग्रीन एलईडी जो है ऑन ना हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने यही वाले जो है वेरिएबल यूज़ करने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टर्न के होते हैं। तो ग्रीन एलईडी जो है ऑन हो गया है, चार्जिंग कट ऑफ हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको रिवर्स करके देखते हैं कि ऑन होती है 13 वोल्ट पे कि नहीं। 13 वोल्ट 1 के आसपास जो ऑन होगी है। अब फिर से हम इसको बढ़ाते हैं, हालांकि डेमो में
ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी इसकी फ्लैश लाइट जो है ऑफ हो गया, कैमरे की थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। देखिए कट ऑफ हो गया है। फिर से मैं इसको डाउन करता हूँ 13 वोल्ट पे, फिर से जो है चार्जिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों सर्किट का पूरा आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कमेंट का रिप्लाई देने में थोड़ी देर हो जाए तो आप वेट कर लिया करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।